दोस्तों आज की इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को बताना हूं, अगर आप भी एक फेसबुक यूजर है तो आप उस फेसबुक में आपके पास क्या रहता है कि ऐड फ्रेंड रिक्वेस्ट का बटन रहता है, तो उसको चेंज कर सी उसको रिप्लेस करेंगे हम, उसको रिप्लेस करके हमें फॉलो का बटन कैसे लगाए, आज इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही सिंपल और इजी ट्रिक है। अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है तो मैं इस वीडियो के जरिए बताने वाला, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। बट इससे पहले कि दोस्तों मैं बता दूं, दोस्तों मैं उषा रंजन और हमेशा की तरह आप लोगों को फिर से स्वागत है अपने चैनल टेक्निकल जरूरी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बने उसके शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बेल आइकन घंटी उसको प्रेस कीजिएगा, उसके बाद ऑल पे जरूर क्लिक कीजिएगा। ओके दोस्तों मैं सबसे पहले आ जाता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, ठीक है। मोबाइल की स्क्रीन पर मैं आ जाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, मोबाइल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है, उसके ओपन करके यहाँ पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं जैसे प्रोफाइल में क्लिक किया, उसके बाद व्यू एस में क्लिक करूँगा। व्यू एस में क्लिक करने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए सबसे पहले, ओके सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऐड फ्रेंड का ऑप्शन आ रहा है, ऐड फ्रेंड का ऑप्शन आ रहा है, देखिएगा। तो इसको हमें रिमूव करना है, इसको रिप्लेस करेंगे, हमें फॉलो बटन इसमें लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें फॉलो बटन लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आगे की प्रोसेस देखिएगा दोस्तों। सिंपली बैक जाऊंगा मैं, बैक जाने का आप क्या करना है, ऊपर थ्री डॉट का आइकन दिख रहा है राइट साइड में, तो इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे इसमें क्लिक करोगे दोस्तों, क्लिक करने का नीचे जो सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन है इसमें क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फिर से सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा होगा दोस्तों, सेटिंग पे फिर से क्लिक कीजिएगा आप। जैसे सेटिंग में क्लिक करेंगे नीचे स्क्रॉल करके जाओगे दोस्तों, नीचे जाओगे तो प्राइवेसी का ऑप्शन आ रहा है, इसमें प्राइवेसी में प्राइवेसी सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है। सिंपली प्राइवेसी सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे प्राइवेसी सेटिंग पे आपको जाओगे तो यहाँ पे देखिएगा नीचे जाना है, उसके बाद हु कैन सेंड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें सिंपली एडिट करना है, क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो एवरीवन का ऑप्शन आ रहा है। एवरीवन को सिंपली क्या करना है, फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के नीचे वाला आपको सिलेक्ट करना है। उसके फिर से बैक जाओगे, बैक जाने नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद नीचे और एक चीज देखिए किसमें पब्लिक पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, पब्लिक पोस्ट का ऑप्शन आपको सिंपली क्लिक कीजिएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले फ्रेंड्स का ऑप्शन है, ऊपर पब्लिक पे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ध्यान देते पब्लिक पे क्लिक करोगे उसके बाद नीचे ऑटोमेटिकली कुछ चीजें पब्लिक हो जाएगा, बाकी जितने भी है सब पब्लिक करते जाना है, पब्लिक करते जाइएगा, ठीक है, सब पब्लिक कीजिएगा, जितने भी है सब कुछ पब्लिक करते जाइएगा। तो यहाँ पे जो भी है सब पब्लिक कीजिएगा, बाकी कुछ भी नहीं करना है। सिंपली हम बैक जाएंगे, बैक जाने का आप देखिएगा फिर से आप प्रोफाइल में क्लिक करके दिखा देता हूँ क्या होता है या नहीं होता है। सिंपली आप व्यू एज में क्लिक करके दिखा देता हूँ क्या यह फॉलो बटन आया है, आप देख सकते हो फॉलो बटन बिल्कुल सही तरीके से आ चुका है। तो इसी तरह आपको करना है दोस्तों, बहुत ही आसान और इजी ट्रिक है दोस्तों। आई होप कि ये फॉर्मूला आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों, जो कि बहुत ही काफ़ी अच्छा और इजी ट्रिक है। तो इस मेथड के जरिए आप लोग सिंपली आसानी से फॉलो बटन ऐड कर सकते हैं अपने फेसबुक के प्रोफाइल पे। तो आई होप ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आया, समझ में आया, समझ में वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन घंटी उसको प्रेस करके दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।